नंबर टू देखिए इसका, इसमें भी मैं मान लेता हूं वेक्टर ए बराबर में टू आई कैप माइनस का थ्री जे कैप और प्लस का के कैप, और वेक्टर बी बराबर में थ्री आई कैप माइनस का जे कैप और माइनस का टू के कैप। चलिए अब इनका डॉट प्रोडक्ट पहले निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा आपका छ प्लस तीन और माइनस का दो, क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो छ तीन नौ, नौ में से दो गया, ठीक है, नौ में से आपका दो गया तो सात आ जाएगा, सात आ जाएगा। अब इसके बाद दोनों का अलग अलग मैग्नीट्यूड निकालते हैं, रूट अंडर टू का स्क्वायर प्लस थ्री का माइनस थ्री का स्क्वायर और फिर आपके प्लस वन का स्क्वायर, तो चार नौ और प्लस एक, तो नौ एक दस चार चौदह, रूट चौदह, ठीक है। अच्छा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, रूट अंडर तीन का स्क्वायर माइनस का वन का स्क्वायर और प्लस का माइनस टू का स्क्वायर, तो यहां देखो नौ एक और चार ये भी रूट चौदह, हमने निकालना है दोनों के बीच का कोण वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और बाई में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो यहां से कॉस थीटा बराबर में हो जाएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट साथ है और बटा में ए का मैग्नीट्यूड रूट चौदह और बी का भी मैग्नीट्यूड रूट चौदह, यानी कि कॉस थीटा बराबर में आ जाएगा सात बटा में चौदह, कट जाएगा एक बटा दो। अच्छा एक बटा दो कितना का होता है जी, एक बटा दो की बात करेंगे तो ये पाई बाई थ्री का हो जाएगा कॉस में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला इसका